सहयात्री निवेदन सहयात्री एवं सहयात्री निवेदन। बिहार में शादियों के दौरान हर्ष फायरिंग अब ट्रेंड बन चुका है। अब तक कई जिलों से शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आई हैं। वहीं इसके कारण कई लोगों की जानें भी अब तक जा चुकी है। इसी क्रम में नई खबर सुपौल जिले से सामने आई है, जहां एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई और इस फायरिंग में दुल्हन को ही गोली लग गई, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई है। यह घटना जिले के प्रतापगंज की है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रतापगंज के गोविंदपुर गढ़िया टोला में दो बहनों की एक साथ शादी थी। रात सरायगढ़ में दोनों की बारात पहुंची थी। वहीं बारात आने के बाद जब बड़ी बहन का वरमाला हो रहा था, तभी किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। किसी तरह आनन फानन में दुल्हन को सिमराही रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका प्राथमिक इलाज किया गया। वहीं इसके बाद दुल्हन को घर वापस लाया गया और शादी सम्पन्न कराया गया। शादी की रस्मों को पूरा करने के बाद फिलहाल उसे सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस इस मामले को देखते हुए हरकत में आई और इस मामले की जांच में जुट गई है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस सितंबर का अंतिम क्षण होने के लिए जा रहा है, जो कि जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। आज इस सितंबर के बाद एक दूसरे का दिल से दिल मिलान होगा। दोनों आदमी एक पद पर चल के सुख दुख के जीवन नैया को स्वीकार करेंगे और वह घड़ी आ चुकी है। इसके लिए मैं आप तमाम बड़ी यात्री एवं सहयात्री निवेदन करूंगा।